खबर झालावाड़ के बकानी से है, जहां पाटन रोड पर गैस गोदाम के पास एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें कबाड़ का सारा सामान जलकर खाक हो गया। मामले की सूचना पाकर पुलिस समेत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। वहीं आग के चलते गैस के गोदाम में भी हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि समय रहते गैस के गोदाम को खाली कर लिया गया, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये भीषण आग यहां पर लगी हुई है। कबाड़ के गोदाम में ये भीषण आग लगी और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। गैस गोदाम यहां पर पास में था, कबाड़ गोदाम के पास, वहां भी हड़कंप मच गया, लेकिन समय रहते उस गोदाम को खाली कर लिया गया, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। कबाड़ के गोदाम में जो भी माल रखा था वो पूरा जलकर खाक हो गया, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि पास ही के गैस गोदाम में भी हड़कंप मच गया। हालांकि समय रहते उसको खाली करा लिया गया, ये यहां पर थोड़ी राहत की बात रही, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार की भीषण आग यहां पर लगी है, काला धुआं निकलकर बाहर आ रहा है। कबाड़ के गोदाम में यहां पर भीषण आग लगी, जिसके बाद पास में एक गैस का गोदाम भी है और वहां पर भी हड़कंप मच गया, लेकिन गनीमत यह रही कि समय रहते उस गैस के गोदाम को खाली करा लिया गया, नहीं तो कोई भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि कबाड़ जो है वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। कितनी भीषण आग लगी है तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बकानी से हमारे संवाददाता अमित गौतम फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, किस प्रकार से ये आग लगी, कोई शॉर्ट सर्किट था या फिर क्या कारण यहाँ पर इस आग का रहा? जी मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि बकानी कस्बे के पाटन रोड पर ये आग लगी है, तो यहाँ अज्ञात कारणों से लगी है, इसकी कोई जानकारी अभी कुछ मिल नहीं पाई है अपन को। और इसके जस्ट पास में गैस गोदाम है, इंडियन गैस का गोदाम, वहाँ भी बड़ी हादसा होने की पूरी आशंका बताई जा रही है और अभी प्रशासन ने वहां पहुंच के और सारे गैस गोदाम को खाली करा दिया गया है और आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी वहीं, और ये दमकल की मशीन बुलाने के लिए भी फोन किया लेकिन दमकल कई घंटों तक इंतजार के बावजूद भी नहीं पहुंच पाई है जी। और गैस गोदाम में प्लास्टिक, कागज वगैरह सभी जलकर खाक हो चुके हैं। अमित, किसी प्रकार की जनहानि तो यहाँ पर नहीं हुई? नहीं, अभी जनहानि, कोई जनहानि नहीं हुई है यहाँ, और आसपास जो मकान थे उनको भी खाली करा लिया गया है। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई और जैसे ही ये कबाड़ के गोदाम में आग लगी, पास में जो गैस का गोदाम था उसे खाली करा लिया गया, इससे बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टल गया।